अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप दोस्तों को पता है कि सर्दी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, अब इस मौसम में आपने अपने बर्ड्स को किस तरह से बचाना है, क्या क्या चीज़ें यूज़ करवानी है, सारी चीज़ें डिटेल के साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि डिफरेंट सिटीज़ में डिफरेंट वेदर चल रहा है। अभी कराची में एक भाई से बात हुई थी, उन्होंने बताया कि वहाँ पर खुश्क मौसम चल रहा है, जो ह्यूमिडिटी लेवल है वो काफ़ी लो है, और जो नॉर्दर्न एरियाज़ है वहाँ पर ठंड भी बहुत ज़्यादा है और ह्यूमिडिटी लेवल भी काफ़ी हाई है। अब आपने इस सिचुएशन में अपने बर्ड्स को किस तरह से बचाना है, देखिए जो जो चीज़ें मैं आप दोस्तों को बताऊंगा आपने अपने इलाके के वेदर के हिसाब से अपने बर्ड पर अप्लाई करनी है। आपने ऐसे नहीं अपने बर्ड पर अप्लाई कर देना जो जो चीज़ें मैं आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ यह है कि अगर तो आपका शेड ओपन है तो आपने अपने शेड को प्लास्टिक शीट के साथ कवर कर लेना है। सबसे पहले आपने ये चीज़ देखनी है कि आपका जो टेम्परेचर है वो 30 से नीचे है। अगर 30 से नीचे ही रहता है और रात के टाइम तकरीबन 20 के आसपास चला जाता है या उससे थोड़ा नीचे आ जाता है, तो फिर आप अपने शर्ट को प्लास्टिक शीट से प्रॉपर कवर कर लें और दिन के टाइम आप एक साइड से जहाँ पर धूप पड़ती है वहाँ से उस शीट को हटा सकते हैं कि आपके जो शर्ट की वेंटिलेशन है वो बरकरार रहे। और जिस दिन आप देखें कि मौसम ख़राब है, हवा चल रही है या धूप नहीं निकली हुई, तो आप उस शीट को ना हटाएँ। और अगर आपका शेड जो है वो किसी रूम वगैरह में है तो वेंटिलेशन के लिए आपने जो खिड़कियां वगैरह रखी हुई हैं उनको भी आप अच्छे से कवर कर लें और रात के टाइम उन्हें आप बंद कर दिया करें। और अगर आप देखें कि नमी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो बहुत सारे दोस्त जो हैं वो हीटर चलाते हैं या बल्ब वगैरह लगा देते हैं, लेकिन इन सबसे जो बेस्ट चीज़ है वो ये है कि आप एक 500-600 रुपये का छोटा सा चूल्हा मिलता है वो आप ला के अपने केज में रख लें, अपने शेड वगैरह में जहाँ पर भी आप रखते हैं। इसका खर्चा भी आपको कम आएगा और आप देखेंगे कि इससे आपका जो टेम्परेचर है वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल रहेगा और ह्यूमिडिटी लेवल भी आपका बरकरार रहेगा। तो मैं भी यही चीज़ यूज़ करता हूँ जब सर्दियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ये आपने उस वक्त यूज़ करवाना है जब आप देखें कि टेम्परेचर आपका तकरीबन 15 से नीचे आना शुरू हो गया, उस टाइम आप हल्का सा अपने केज में ये चूल्हा जला सकते हैं। क्योंकि हीटर जो है वो बहुत ज़्यादा गैस खींचता है, अगर आप इलेक्ट्रिक हीटर भी चला रहे हैं तो वो आपकी बिजली बहुत ज़्यादा वेस्ट करेगा। तो ये सबसे आसान है कि आप एक चूल्हा ला के अपने शेड में रख लें और उसे आप हल्का से चला लें। इससे यह है कि अगर हल्की भी कई इलाकों में गैस आना शुरू हो जाती है तो वो आपका चूल्हा जो है वो जलता रहेगा, वो बंद नहीं होगा, क्योंकि हीटर वगैरह जो हैं वो फुल गैस पर चलते हैं और अगर गैस हल्की होती है तो वो बंद हो जाते हैं। बस ये है कि आपने उसे रात को चेक करते रहना कि वो बंद ना हो जाए, क्योंकि अगर बंद होगा तो आपका जो शेड है उसमें गैस फैल जाएगी और आपके बर्ड एक्सपायर हो सकती हैं। सर्दियों में इसी चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि आप अगर गैस की कोई चीज़ यूज़ करवा रहे हैं, हीटर वगैरह, तो अगर रात को गैस चली जाए, क्योंकि अक्सर चली जाती है, तो आपको पता नहीं चलेगा और 2-3 घंटे में पूरे शेड में गैस फैल जाएगी और आपके बर्ड जो हैं वो दम घुटने से एक्सपायर हो जाएंगे। आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है। अगर आप कोई भी चीज़ चला रहे हैं, चाहे हीटर चला रहे हैं या चूल्हा चला रहे हैं, जो भी चीज़ आप यूज़ करवा रहे हैं, आपने कम से कम 2-3 बार उसे चेक करना है रात को उठ के। अगर तो वो चल रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर गैस चली गई तो आप उसको बंद कर दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा दोस्तों का इसी चीज़ की वजह से नुकसान हो जाता है। और अब आपने चीज़ें क्या क्या बर्ड को यूज़ करवानी है सर्दियों में। आप देखें कि टेम्परेचर काफ़ी नीचे आ गया, ठंड बढ़ गई है, तो अब आपने डाइट में क्या क्या चेंजिंग करनी है, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो आपने क्या क्या चीज़ें यूज़ करवानी है। देखिए, सॉफ्ट फूड आपने डेली बर्ड को यूज़ करवाना है, और जो भी सॉफ्ट फूड आप बर्ड को यूज़ करवा रहे हैं, चाहे वो वेजिटेबल्स हैं या दाल दाना वगैरह, तो ये आपने जाहिर है धो के यूज़ करवाएंगे। दाल दाना आप धो के उसे पानी में भिगो के उसके बाद जो सब्जियां वगैरह हैं उसे भी आप धो के अच्छे तरीके से वॉश करके बर्ड को यूज़ करवाते हैं। आपने ये करना है कि उन्हें अच्छे तरीके से ड्राई कर लेना है। आपने बिल्कुल ही ऐसे नमी वाला सॉफ्ट फूड बर्ड को नहीं प्रोवाइड करना। आपने उसे छांव में डाल के अच्छे तरीके से खुशक कर लेना ताकि उसमें नमी ना हो, फिर आपने वो अपने बर्ड को देना है। उसके अलावा बहुत सारे दोस्त गंदम वगैरह बर्ड को यूज़ करवाते हैं, और आमतौर पर गर्मियों में वो रात को भिगो देते हैं और सुबह वही गंदम बर्ड को यूज़ करवा देते हैं, लेकिन सर्दियों में आपने ऐसे नहीं करना। सर्दियों में अगर आपने गंदम यूज़ करवानी है तो आप उसे बॉयल कर लें, बॉयल करने के बाद आप उसे खुश्क होने दें और फिर अपने बर्ड को यूज़ करवाएं, क्योंकि अगर आप उसे भिगो कर यूज़ करवाएंगे तो वो जो है उसकी तासीर ठंडी होगी, और अगर आप उसे बॉयल करके बर्ड को यूज़ करवाएंगे तो उसकी तासीर गर्म हो जाएगी। इसके अलावा आपने दाने में भी थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी है। अब दाने में आपने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, आपने दाने में थोड़ी सी स्वान ऐड कर लेनी है। अब स्वान का बहुत सारे दोस्तों को नहीं पता होता, ये बाजरे की तरह के छोटे छोटे से बीज होते हैं, जहाँ से आप अपने बर्ड के दाना वगैरह लेते हैं वहाँ से आपको ये ईजिली अवेलेबल होगा। आप थोड़ा सा स्वान ऐड कर सकते हैं, उसके अलावा आप अलसी थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं, या आप बन के बीज की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा सकते हैं। सनफ्लावर सीड तो ऑलरेडी ऐड होते हैं, और आप कोशिश किया करें कि कनेरी सीड की जो मिकदार है वो थोड़ी सी बढ़ा के रखें, क्योंकि ये ऑयली सीड हैं और जब फीमेल एग वगैरह ले कर रही होती है तो ये उसके बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो इस तरह आप अपने बर्ड की जो डाइट है उसको भी मेनटेन रख सकते हैं और सर्दी से भी अपने बर्ड्स को बचा सकते हैं।
आपने जो बहुत बड़ी एहतियात करनी है वो ये है कि अपने बर्ड को ठंडी हवाओं से बचाना है। अगर आप दिन के टाइम उसके शर्ट से कपड़ा वगैरह भी हटाते हैं या प्लास्टिक शीट जो भी हटाते हैं तो आपने देखना है कि हवा तो नहीं चल रही, क्योंकि अगर बर्ड पर डायरेक्ट हवा पड़ेगी तो बर्ड जो है वो फूल कर बैठ जाएंगे और बर्ड आपके सर्दी लगने की वजह से बीमार हो जाएंगे। इसके अलावा आपने एक और एहतियात करनी है कि आपने रात के टाइम बर्ड के जो केज हैं उससे पानी निकाल देना है और सुबह के टाइम आपने बर्ड को ताज़ा पानी प्रोवाइड करना है, क्योंकि अगर आप रात का पानी बर्ड के केज में रहने देंगे तो सुबह तक वो पानी ठंडा हुआ होगा और जब बर्ड उस पानी को पिएगा तो बर्ड आपका बीमार हो जाएगा। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप ताज़ा पानी बर्ड को प्रोवाइड करें और दिन में दो बार बर्ड का पानी चेंज किया करें। बस इस चीज़ की आपने एहतियात करनी है, बाकी इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक सबके बर्ड को महफूज रखे और सबके पास अच्छी ब्रीड आए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। अपना और अपने बर्ड्स का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।